तो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे आलू और सालन कोफ्तों का रेडी हो चुका है। आप लोगों को कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह शोरबे वाला हमारा, इसकी ग्रेवी देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है ना हमारे मज़ेदार से कोफ्ते हो चुके हैं रेडी, और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बने। और ये हमारे कोफ्ते हो चुके हैं रेडी, और अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ साथ में। तो अब मेरी रेसिपी, मेरे कोफ्ते आलू का सालन कैसे लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने ऑयल के अंदर प्याज गरम की थी, प्याज का जो फ्राई हो गई थी तो मैंने इसे निकाल दिया था, क्योंकि मुझे प्याज को और टमाटर को जो है ना पीसना था। तो इस वजह से मैंने जो है ना इसके अंदर दो तीन प्याज ये रह चुकी है, ऑयल हमारा गर्म है। और यहाँ पर जो है ना मैंने प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार किया है, वो इस हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने मसाला ऐड कर दिया है, और जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, इसे मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर डाल देंगे, ऐड होंगे सूखे मसाले। और आज मैं क्या बना रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से कोफ्ते, चिकन कोफ्ते। ये जो चिकन को मैंने चोबर में पीस के मसाला इसके अंदर डाल के इसके कोफ्ते तैयार कर लिए थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस वजह से मैंने शॉर्ट में रखी है। और मसाले को जो है ना हम अच्छी तरह से भूनेंगे, और साथ में अभी ऐड करेंगे आलू। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मसाला इसका ऐड कर दिया है, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये इसके अंदर ऐड कर दिए थे मैंने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये आलू जो हमने काट दिए हैं, ये सारे आलू इसके अंदर जाएंगे। और आज मज़ेदार से कोफ्ते बन रहे, काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैंने कोफ्ते बनाए। तकरीबन मुझे एक साल होने आया है कि मैंने कोफ्ते नहीं बनाए थे, बस आज दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा कि आज चलो कोफ्ते बना लेते हैं चिकन के। तो आलू के मसाले को मैं इसे जो है ना अच्छी तरह से भूनूंगी, इसके अंदर पानी ऐड करके इसे दम पकने रखूंगी। जब हमारे आलू गल जाएंगे ना, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोफ्ते। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ना ये सारी तारें आज बच्चों ने निकाली सफाई करने के लिए, तारों को जो फालतू किए इसे जो सब जो है ना हम फेंक देंगे, और जो काम किए वैसे रखेंगे। और यहाँ पे भी सारी तारें हैं, और वो देखें इन्होंने आग लगाई है तार को, जो इसके अंदर तार लोहे की होती है, वो सब निकालेंगे इसे। तो बस हमारा काम जो है ना आज इसी सफाई में गुजर जाएगा। और यहाँ पे सारे जो है ना स्टोर जो हमने सफाई की थी, सारी मट्टी मट्टी हो गई थी, वो सारी मट्टी एक तरफ करके अब इसका जो है ना हम कचरा उठाएंगे। और आज तो समझो पूरा हमारा जो है ना घर का हाल बिल्कुल उल्टा फुल्टा लगा हुआ है। तो ये सारी सफाई हमें करनी है, तारे वाले बस ये तारे सब एक तरफ करो। तो आलू भूनने के बाद जो है ना मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है, जितना मुझे पानी रखना था। और इसके अंदर अब मैं जो एक एक करके कोफ्ते डालूंगी, आधे हमारे आलू जो है ना गले हुए, आधे जो है ना कच्चे हैं। अभी मैं जब इसके साथ पकाऊंगी कोफ्तों के साथ तो ये अच्छे से पक जाएगा, उसे मैं 10 मिनट तक रखूंगी भूनने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास है कोफ्ते, इसको मैं एक एक करके जो है ना इसके अंदर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैंने कोई अंडा नहीं डाला इसके अंदर, और कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, सिंपल से मसाला डाल के और बेसन का जो 2 चम्मच भून के उसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो मैंने इसे कोई फ्राई नहीं किया है, और हम इसी तरह से बनाते हैं बस कोई, और जो है ना ये टूटते भी नहीं है इस तरह से। तो एक एक करके जो है ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे,
और जो है ना 10 मिनट तक हम इसे रखेंगे भून पकने के लिए। तो जी बस मज़ेदार से हमारे जो है ना ये कोफ्ते और आलू सालन जो हमारा रेडी होने वाला है। 5 मिनट से और है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया और मिर्चें। और यहाँ पर हमने काट के रखी थी धनिया और मिर्चें, इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो जी बस अभी मैं हम खा रहे हैं खाना और मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे सालन। तो ये देखें सालन की लुक माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं। और बस अभी ये रोटियाँ बनाकर मैं उठी थी, तो बस अब खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें कोफ्ते,